नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य में आधुनिक काव्य संग्रह अपनी जो पाठ्यपुस्तक है उसमें, आज उसी में एक नया अध्याय हम लेते हैं अपनी जो पाठ्यपुस्तक है आधुनिक काव्य संग्रह। अपना अगला कवि रहेगा गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध और अपने पाठ्यक्रम में मुक्तिबोध की तीन कविताएं संग्रहित की गई है, उन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली जो अपने पाठ्यक्रम में मुक्तिबोध की जो कविता है वो है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। दूसरी इनकी जो कविता है उसका शीर्षक है दूर तारा, दूर तारा। और तीसरी जो अपने पाठ्यक्रम में जो कविता शामिल की गई है वो है खोल आंखें, खोल आंखें। तो तीन कविताएं अपने पाठ्यक्रम में मुक्तिबोध की शामिल की गई है, जन जन का चेहरा एक, दूर तारा, खोल आंखें। सबसे पहले हम बात करेंगे जन जन का चेहरा एक। इसमें जैसे कविता की शीर्षक से ये पता चल रहा है कि सभी लोगों का चेहरा एक जैसा है, इसमें चेहरे का मतलब उनकी मुखाकृति की बात नहीं है। हम देखते हैं कि सबकी मुखाकृति भिन्न भिन्न होती है, यहाँ तक कि दो जुड़वा भाई होते हैं जिनकी शक्ल सूरत बिल्कुल मिलती जुलती होती है लेकिन कुछ अंतर उनमें भी पाया जाता है। यहाँ जो चेहरे की बात हुई है वो उनके व्यक्तित्व की बात हो रही है। हमारे देश में, विश्व के किसी भी देश में अगर हम देखेंगे तो लोगों की जो तकलीफें हैं वो एक समान है, उनके दुख दर्द एक समान है, उनके सुख एक समान है। प्राकृतिक जो स्थिति है वो विश्व में भिन्न भिन्न होती है। यहाँ अपने भारत की भी अगर बात करें तो भारत की विशेषता भी ये है कि विविधता यहाँ बहुत अधिक पाई जाती है, परंतु फिर भी अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ नदी बहती है तो दूसरे देशों में भी नदियाँ हैं, यहाँ पहाड़ है दूसरे देशों में भी पहाड़ है। कुल मिलाकर लोगों की जो अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो एक जैसा ही होता है, उनकी भाषा शैली भिन्न भिन्न हो सकती है, उनका आचार विचार भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन फिर भी एक बात ऐसी पाई जाती है कि विश्व के किसी भी देश का कोई भी अगर व्यक्ति है तो उस व्यक्ति में दूसरे देशों के बराबर बहुत सारी बातों में समानता या बराबरी देखी जा सकती है। कविता में बताया है जन जन का चेहरा एक में कि चाहे जिस देश, चाहे जिस प्रांत या पुर का हो, पुर का अर्थ होता है नगर, जन जन का चेहरा एक, अर्थात चाहे कोई किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी राज्य का रहने वाला हो, किसी भी नगर का रहने वाला हो, किसी भी गांव का रहने वाला हो, उन सब का चेहरा एक समान होता है। अर्थात उनकी अभिव्यक्ति, उनके कार्यकलाप, अगर उनकी जीवन शैली को अगर हम देखेंगे तो एक समान सी ही लगती है, एक समान सी प्रतीत होती है। उदाहरण दिया है कि चाहे एशिया महाद्वीप का कोई व्यक्ति हो, चाहे यूरोप महाद्वीप का हो, चाहे अमेरिका महाद्वीप का या विश्व के किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति है, उन सब का चेहरा एक सा है। अर्थात उनके दुख दर्द, उनकी तकलीफ एक समान होती है, उनका अभिव्यक्ति का माध्यम एक होता है। हालांकि भाषा प्रत्येक देश की अलग अलग होती है लेकिन इसके बावजूद उनके हृदय में छिपे हुए जो भाव है वो एक समान ही होते हैं। उनके हृदय में जो दुख की भावना अगर देखी जाए तो भारत में जो स्थिति है वही विश्व के दूसरे देशों में देखी जा सकती है। मेहनत कश लोग जो है वो अपने देश में है वैसे ही दूसरे देशों में भी पाए जाएंगे, चाहे देश विकसित हो चाहे देश विकासशील हो, सभी में कमोबेश हमें ये देखने को मिलता है कि सभी के जो नागरिक है, देशवासी है, उन सभी में बहुत सारी बातों में हम समानता देख सकते हैं। तो ये अपनी जो एक कविता है वो ये भी रेखांकित करती है कि विविधता में एकता, यही भारत की विशेषता जो है, ठीक ऐसी ही स्थिति विविधता में एकता, यही विश्व की विशेषता है। संपूर्ण विश्व में भी अगर हम बात करें तो अलग अलग देशों में बटे हुए हैं, अलग अलग भाषाओं में लोग बटे हुए हैं, रंग वर्ण की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, आचार विचार की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, लेकिन उनके रोजगार की बात करें, उनके कार्यों की अगर बात करें तो ठीक जैसे अपने देश के लोग प्रयासरत रहते हैं उसी तरीके से दूसरे देशों के लोग भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ठीक उसी प्रकार से प्रयास करते हैं। हाँ, ये बात अलग होती है कि प्रत्येक देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग होती है,
प्रत्येक देश के नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाएं अलग अलग होती है, कहीं कम होती है कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी अगर वो अपनी मंजिल को पहुंचना चाहते हैं तो मंजिल को पहुंचने के लिए जो प्रयत्न वो कर रहे हैं, वो प्रयत्न जो मेहनत वो कर रहे, परिश्रम वो कर रहे, वो प्रत्येक देश में हमें देखने को मिलती है। दूसरा इसमें उदाहरण दिया है कि हर देश में गायें चराई जाती है और हर देश में कन्हैया है। जैसे अपने यहाँ पर गायों को चराने वाले को गोपाल कहा जाता है, जो गायों को चराने वाला पालने वाला माना जाता है, और सबसे अच्छा इसमें विशेषण दिया जाता है श्री कृष्ण का कन्हैया। तो जिस प्रकार से अपने यहाँ गायों को चराने वाले को गोपाल कन्हैया कृष्ण कहकर पुकारते हैं, ठीक उसी प्रकार से विश्व के किसी भी देश में अगर किसी भी नागरिक को हम देखेंगे तो उसी प्रकार से लोग गायें चराने का जो काम करते हैं उन्हें अगर हम कन्हैया कहेंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। फिर उन्होंने उदाहरण दिया है जैसे अपने देश में जो नदियां बहती है गंगा यमुना, ठीक उसी प्रकार से दूसरे देशों में बहने वाली जो नदियां हैं उनका जल भी वैसे ही बहता है जैसे अपने गंगा यमुना का जल बहता है। हाँ, उनके नाम अगर हम देखेंगे तो उनके नाम अलग अलग मिलेंगे। अमेरिका की बहने वाली नदियों के नाम अलग है, इंग्लैंड में बहने वाली नदियों के नाम अलग है, फ्रांस में बहने वाली नदियों के नाम अलग है, लेकिन उनकी विशेषता एक है। वो विशेषता की बात बताएं तो जैसे भारत की नदियों का जो जल स्तर है ठीक वैसा ही जल स्तर वहाँ देखने को मिलता है। अपने देखते हैं कि कई बार नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, बाढ़ के हालात हो जाते हैं, तो दूसरे देशों की जो नदियाँ हैं उनमें भी यही स्थिति अपने को देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे मौसमी जो नदियाँ होती है जो केवल वर्षा ऋतु में ही बहती है, उसके बाद में वो बिल्कुल शांत रहती है, ये विशेषता में दूसरे देशों में भी देखने को मिलती है। अपने यहाँ हिमालय पर्वत है, ठीक उसी प्रकार से विश्व के दूसरे देशों में देखेंगे तो वहाँ अलग अलग नामों के अलग अलग पर्वत हमें अपने को देखने को मिलेंगे। अपने यहाँ पहाड़ों में जो जड़ी बूटियाँ मिलती है ठीक वैसी ही स्थिति दूसरे देशों में भी अपने को देखने को मिलेगी कि वहाँ पर भी पहाड़ों पर बहुत सारे फल फूल और जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है। अपने देश में जैसे बर्फबारी होती है ठीक वैसी बर्फबारी दूसरे देशों में भी होती है। विश्व में कई देशों में ऐसा हम देखते हैं कि वहाँ ठंड सबसे अधिक होती है, कई देश ऐसे होते हैं जहाँ गर्मी सबसे अधिक होती है। हाँ, लोगों का वर्ण अलग अलग हो सकता है, रंग अलग अलग हो सकता है। अपने देखेंगे प्राय देखने को मिलता है कि जो ठंडे पर प्रदेश के जो लोग हैं उनका रंग उनकी सकल सूरत गोरी होती है, जबकि गर्म प्रदेश के जो लोग हैं उनका वर्ण हमेशा सांवला या काला होता है, लेकिन उनके हृदय की भावनाएं अगर हम देखेंगे तो गोरे और काले का भेद हमें नहीं करना है, बल्कि मानवता को एक मानना है, और वो मानवता केवल हमें देश के आधार पर बांटती हुई प्रतीत नहीं होनी चाहिए, बल्कि विश्व का प्रत्येक जो देश है वो प्रत्येक देश के नागरिक की मानवीय दृष्टि से सम्मान होते हैं। उनमें दुख दर्द तकलीफ एक सी होती है, खुशियों का तालमेल एक साथ देखते हैं। जैसे अपने देश के किसी नागरिक को कोई अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई है तो वो अपनी बहुत अधिक खुशी को प्रकट करता है। ये खुशी न केवल भारत में देखने को मिलती है बल्कि ये विश्व के प्रत्येक देश में देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से अपने हिंदुस्तान की बात अगर हम करते हैं तो हिंदुस्तान में हर प्रकार की प्रकृति का रूप देखा जा सकता है। हिंदुस्तान में हम वो जगह भी देख सकते हैं जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, हिंदुस्तान में हम वो जगह भी देख सकते हैं जहाँ बहुत ही कम बरसात होती है, हिंदुस्तान में हमें वह जगह भी देखने को मिलती है जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो हिंदुस्तान में वह जगह भी है जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति न केवल हिंदुस्तान या भारत में है बल्कि ऐसी स्थिति विश्व के प्रत्येक देश में देखने को मिलती है। इसीलिए कवि ने इस कविता जन जन का चेहरा एक में बताया है कि चाहे किसी देश में जाए, चाहे किसी प्रांत में जाए, चाहे किसी नगर में जाए, हर दिशा में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह अपने को हिंदुस्तान का चेहरा देखने को मिलेगा। अर्थात हिंदुस्तान में हम जो विशेषताएँ देखते हैं ठीक ऐसी विशेषता हमें विश्व के प्रत्येक देश में देखने को मिलती है, जो हमें ये आभास दिलाती है कि ये संपूर्ण विश्व हमारा ही देश है,
संपूर्ण विश्व एक कुटुंब है, संपूर्ण विश्व एक परिवार है, और यही बात इस कविता में मुख्य रूप से प्रतिपादित की गई है कि हमें आपसी भेदभाव को मिटाना चाहिए। वो भेदभाव न केवल भारत में बल्कि विश्व के किसी भी देश के प्रति, किसी भी नागरिक के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, प्रत्येक धर्म के प्रति हमारे हृदय में एक सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए, एक समादर की भावना होनी चाहिए। जितना महत्व हम अपने धर्म को देते हैं, उतना ही महत्व हमें दूसरे धर्म के लोगों को भी देना चाहिए, जिससे धार्मिक जो संकीर्णता है ये समाप्त हो सके। प्राकृतिक विविधता जैसे अपने देश में देखते हैं, वैसे अगर दूसरे देशों में अगर हम देखेंगे तो वहाँ भी हमें अपने ही देश के दर्शन करने चाहिए। अगर कहीं भी हम पहाड़ी क्षेत्र देखते हैं तो सोचना चाहिए कि वह हमारा भारत है, प्यारा भारत है। कहीं नदी के अगर हम देखते हैं तो यही देखना चाहिए कि उसमें भी हमें अपने प्यारे भारत के ही दर्शन करने चाहिए। तो विश्व के अलग अलग देशों का जो नामकरण है, अलग अलग उनके जो रूप है, अलग अलग उनके जो भूभाग है, भू आकृति है, सीमाओं के जो बंधन है, सरहदों के जो बंधन है, वो स्वतः ही टूट जाएंगे। फिर हम केवल और केवल एक ही देश के और एक ही संसार के, एक ही परिवार के सदस्य बन जाएंगे। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए गजानन माधव मुक्ति बोध ने ये कविता रची है। तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि जन जन का चेहरा एक होने का मतलब सबका चोकटा एक समान नहीं होता है। चोकटा अर्थात मुख आकृति भिन्न भिन्न होती है, लेकिन फिर भी हमें आंतरिक भावना को एक समझना चाहिए। चाहे व्यक्ति सुंदर हो, कुरूप हो, गोरा हो, काला हो, किसी राज्य का हो, किसी देश का हो, किसी धर्म का हो, ऐसी जो अलग अलग जो विविधता है उनको हमें मिटा देना चाहिए। और एकता की हम जो बात करते हैं, वो विविधता में एकता वाली बात, अनेकता में एकता वाली बात तभी स्थापित हो पाएगी जब हम प्रत्येक जन में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक लोग में एक ही चेहरे के दर्शन करेंगे। अगर हम किसी दूसरे को तकलीफ देते हैं तो पहले हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसी पीड़ा मेरे साथ बीतती है, ऐसा दुख मेरे साथ घटित होता है, ऐसी घटना मेरे साथ घटित होती है, तो मेरा हृदय कितना दुखी होगा। ठीक वैसे ही अगर किसी दूसरे के साथ अन्याय हो रहा है, किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके कोई तकलीफ है, दुख दर्द है, तो उससे हमें अपना ही दुख दर्द समझते हुए उसके प्रति अपनत्व का भाव रखना चाहिए। कविता हमें ये बताती है, जन जन का चेहरा एक कविता, कि लोगों के दुख दर्द तकलीफें एक सम्मान है, उनकी खुशियाँ एक सम्मान है। तो जैसे हम दूसरे व्यक्ति के खुशियों में शामिल होते हैं, वैसे ही अगर हम दूसरे के दुखों में भी शामिल होंगे तो विश्व का कोई भी देश दुखी नहीं रहेगा, विश्व का कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा, विश्व के सभी लोग, सभी जन सुखी हो जाएंगे। और ये कविता हमें यही संदेश देती है कि विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को हमें सुखी बनाना है, और ये तभी हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति ये धारणा रखे, प्रत्येक व्यक्ति की ये सोच रहे कि मेरा जीवन मेरे तक नहीं बल्कि दूसरे लोगों से भी संबंधित है, दूसरे लोगों के प्रति भी मेरा कोई उत्तरदायित्व है, दूसरे लोग भी मेरे अपने हैं, अपनों की परिभाषा उसे सीमित संकीर्ण नहीं रखनी है, अपनों की परिभाषा उसे व्यापक करनी है, और वो व्यापक परिभाषा न केवल देश की सीमाओं में बंधे बल्कि संपूर्ण विश्व की, हर महाद्वीप की सीमाओं को तोड़ती हुई विश्व के प्रत्येक देश के प्रति एक एकता की स्थापना होगी, एक अच्छी सोच लोगों में रहेगी, तब ये बात बिल्कुल सार्थक सिद्ध होती है कि जन जन का चेहरा एक नहीं है बल्कि जन जन का चेहरा अलग अलग होकर भी एक है। जैसे इसमें बताया कि जन जन का चेहरा एक, ये जन जन का चेहरा एक होना तभी प्रकट होगा अपने व्यवहारिक जीवन में, तभी उजागर होगा जब दूसरों के प्रति हमारी सोच बिल्कुल व्यापक होगी। हम प्रकृति के विविध रूप जो अपने देश में देखते वैसे दूसरे देशों में देखेंगे तो वहाँ भी हमें अपना ही देश नजर आएगा।
फिर हम अलग अलग महाद्वीप के अनुसार एशिया, यूरोप, अमेरिका, ये जो अलग अलग भूभाग बटे हुए हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ बदली हुई है, ये परिस्थितियाँ स्वतः ही दूर हो जाएगी और केवल संपूर्ण विश्व हमें कुटुंब के समान प्रतीत होगा। ऐसी एक विश्वव्यापी जो सोच है, एक विश्वव्यापी जो दृष्टिकोण है, वो इस कविता के माध्यम से हमारे हृदय में विकसित होता है, जो न केवल हमें अपने बल्कि अपनों के साथ साथ दूसरों के प्रति भी अपनापन उत्पन्न करने वाली कविता है। तो काफ़ी व्यापक ढंग से, काफ़ी विस्तृत रूप से मनुष्य की सोच को विकसित करने वाली ये जो कविता है, फिर स्वतः ही विकासशील और विकसित देश की जो बातें हैं वो समाप्त हो जाएगी और सारे विश्व के जितने भी देश हैं वो सभी देश एक ही देश बन जाएंगे, एक ही भाग में शामिल हो जाएंगे। संपूर्ण भौगोलिक जो परिदृश्य है वो भिन्न भिन्न होकर भी, सीमाओं में बटा हुआ होकर भी, केवल और केवल जैसे हम पृथ्वी को गोल मानते हैं उसी प्रकार से हमारा देश नहीं बल्कि ये संपूर्ण जो विश्व है, उस गोलाकार जो आकृति है, उस गोलाकार रूप में, आकृति में अपने आप ही समाहित हो जाएगा, जिसका ओर छोर दिशाएं सब कुछ समाप्त हो जाएगी। तो बीए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज हमने हिंदी साहित्य में जिस कविता की बात की वो गजानन माधव मुक्तिबोध की एक काफ़ी प्रसिद्ध और व्यापक सोच वाली कविता है, जन जन का चेहरा एक। कल अपनी कक्षा में हम बात करेंगे दो जो कविताएं मुक्तिबोध जी की अपने पाठ्यक्रम में शामिल है, एक दूर तारा और एक है खोल आंखें, इन दोनों के मूल भाव और मूल प्रतिपाद्य की हम बात करेंगे। धन्यवाद।